पैसे लगा देते, आर्मी लगा देते हमें मारने के लिए, हमारे पास कौन सा हथियार है जो हम चलाएंगे? राणा जी, अगर आपने चीफ मिनिस्टर बनना है, कुर्सी पर काजू बादाम खाते हैं तो रिमाइंड करते हैं हमें दिन रात, हाँ जी कुर्सी पर खाते हैं। आज तक किसी ने नहीं हमारा कुछ किया है, 25-25 साल हो गया दिन रात काम किया है। अगर रविंदर राणा जी आपके से बोले कि रविंदर राणा जी अगर आपने चीफ मिनिस्टर बनना है तो झूठे शासन देते हैं साथ, सभी झूठे बोलते हैं, हर बारी बोलते हैं झूठ ही झूठ बोलते हैं। जी जी की इलेक्शन होनी थी, बोलते हम तुम्हारा काम करेंगे, आज तक क्या किया उसने, कैसे जाएंगे काम के बाहर? बच्चे निके निके हैं हमारे, स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं। चीफ मिनिस्टर बनना है तो फिर इन लोगों को टेलीविजन को सबसे पहले परमानेंट ऑर्डर आगे पूरी होंगी तो ही इलेक्शन पे वोट डाला जाएगा। हाँ जी हाँ जी, डालेंगे, सब डालेंगे, नहीं तो बीजेपी को बाइकॉट कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, वोट नहीं आपके पास, वोट नहीं देंगे, वो तो हथियार हुआ ना फिर। जो हमारा काम से वो हथियार यूज करेंगे। हाँ जी करेंगे, बोल करेंगे, सभी करेंगे, हमारी मान ये देखो रंग ला रही है, क्या करना है इन सरकारों को। हमें नमस्कार, ग्राउंड रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूँ शिल्पा शर्मा। ग्राउंड रियलिटी से हम आपको हमेशा रियलिटी दिखाने की छोटी सी कोशिश करते हैं और वहीं पर भी अच्छी डेली वेजर्स की बात करें तो लगातार ये मांग जो है वो की जा रही है कि हमारी पेंडिंग वेजेस दी जाए, रेगुलराइजेशन पॉलिसी दी जाए, लेकिन मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। और वहीं पर कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी, आप साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर ये लोग डेली वेजर्स धरना प्रदर्शन करते थे, सड़कों पर उतर आते थे और आज बीजेपी ऑफिस के सामने यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों का क्या कुछ कहना है, डेली वेजर्स का क्या कुछ कहना है। उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर डेली वेजर्स आए हैं, बीजेपी ऑफिस के सामने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और आपको बताती चलूं कि थाली लेकर ये लोग यहाँ पर खड़े हैं, देख सकते हैं आप, थाली लेकर यहाँ पर ये लोग आए हैं और अपनी मांग जो है बीजेपी ऑफिस के सामने यहाँ पर बैठे और अपनी मांग जो है वो रख रहे हैं कि हमें पेंडिंग वेजेस दी जाए, रेगुलराइजेशन पॉलिसी दी जाए। डेली वेजेस की बात करें तो कितना गुस्सा, कितना आक्रोश भरा है और कितनी उम्मीदें अभी भी लगाए बैठी हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे, बीजेपी ऑफिस के सामने खड़े हैं राणा जी, से उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर आएंगे। मैंने 1992 ऑफर लगे आता कैसा में चूसे भाषण देते आए, पूरी उम्र ऐसे 600 रुपये देते हैं, आए 9000 रुपया कितना, 9000 ने सारा क्या होता कख नहीं बनता, आज तो बाद उन्होंने कोई फैसला किया, हर बारी झूठ मारते सरकार, 20 बारी आते 20 बारी जंदे, कभी आधे सिर नहीं रहते। आपको क्या लगता है कि रविंदर राणा जी मिलने आएंगे? नहीं आएंगे। आज बीजेपी ऑफिस के बाहर यहाँ पर आने का क्या मतलब? इसीलिए आए हम, वोट अगले बारी इसको नहीं देंगे। ये आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप हमें हमारी तरफ से बीजेपी को वोट नहीं जाएगा, किसी का नहीं जाएगा। मांगे पूरी होनी चाहिए, मांगे पूरी होंगी, हम 100% सभी वोट देंगे, ना किसी को वोट नहीं देंगे। सानू हर बार 6 महीने वोट है, श्रीनगर से इधर आएंगे ऑर्डर होगा, उधर जाएंगे इधर ऑर्डर होगा, आज तक किसी ने नहीं हमारा कुछ किया है, 32-32 साल हो गया दिन रात काम किया है, मोटर मैन का काम मैं करता हूँ, आज तक कोई तनख्वाह नहीं दी है इन लोगों ने, बोर्ड से 18,000 हो गया, 26,000 हो गया, एक भी बोर्ड कर दिखाओ, किसी ने नहीं कुछ भी दिया, हमें झूठे शासन देते हैं सर, सभी झूठे बोलते हैं, ये हो गया आप काम आज तक झूठे ही आश्वासन। हाँ जी झूठी आश्वासन दिया हमारी, देखो उम्र अभी 55 साल हो रही है, आज तक क्या मिला, 5 साल के बाद हम घर जा रहे हैं, किसी को क्या मालूम है? कुछ कहा था? नहीं कुछ नहीं कहा, हर बारी बोलते हैं झूठ ही झूठ बोलते हैं, जी सी की इलेक्शन होनी थी, बोलते हैं हम तुम्हारा काम करेंगे, आज तक क्या किया उसने, अपना ही काम करते हैं जहाँ बैठे हैं, कुर्सी पर काजू बादाम खाते हैं तो रिमाइंड करते हैं हमें दिन रात काम करते हैं, हाँ जी कुर्सी पर खाते हैं, हमें क्या है, देखो भूखे लोग मर रहे हैं, दिन रात नहीं देखते हैं, काम पर जाओ जाओ कैसे जाएंगे काम के बाहर, बच्चे निके निके हैं हमारे, स्कूल से बाहर निकाल रहे हैं, आज तक कुछ ना फीस नहीं दी है, कहाँ से देंगे फीस, कहाँ रात को दिन को काम करते हैं, दिन को कोई ट्रॉली के साथ जाता है, किसी के मकान के काम करता है, दिन रात हम काम करते हैं, हमारी मेहनत देश देखो रंग ला रही है, क्या करना है इन सरकारों को, हमने झूठी आप शासन देते रहते, बार बार पुलिस लगा देते, आर्मी लगा देते हमें मारने के लिए, हमारे पास कौन सा हथियार है जो हम चलाएंगे, कहाँ गोलियाँ चलाएंगे हम, क्या आपके पास कौन सा हथियार है? मेरे पास कुछ नहीं है सर, पे मोटर मैन हूँ, क्या मिलेगा हमें, कुछ नहीं, दो नहीं, कोई तो हथियार होगा जिससे सरकार जागेगी, नहीं हमारे कुछ नहीं, हमारे पास यही जीव है, ये करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वोट नहीं देंगे, वो तो हथियार हुआ ना फिर, जो हमारा काम से वो हथियार यूज करेंगे,
हाँ जी करेंगे, फुल करेंगे, सभी करेंगे, ये हमारा काम करेंगे, हम इनका काम करेंगे। हाँ जी भारत माता की जय भी बोलेंगे। मांगे पूरी होंगी तो ही इलेक्शन पे वोट डाला जाएगा। हाँ जी हाँ जी डालेंगे, सभी डालेंगे, नहीं तो बीजेपी को बाइकाट कर देंगे, एक फूल नहीं देंगे। हाँ जी मोदी सरकार बोलती है 2-2 हजार रुपए बेच दिया, जो घर बैठे सोए हुए हैं, किसानों ने जमीन बेच दी है, उनको पैसा आ रहा है, हम दिन रात तड़प रहे हैं, हमें कौन सा पैसा मिल रहा है, क्यों नहीं मिलता है, हमारी भी जमीन है, बोलते हमारे पास हमारा डैडी। आप इतने सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं। मैडम जी 22 साल हो गया 32 साल हो गया दिन रात काम किया है। मैं यही पूछना चाहूंगी गरीब को क्यों नहीं आखिर सुना क्यों नहीं जाता गरीब? क्या बात है, मैं 1990 में लगा हूँ, डी साहब ने मेरा एक्शन है ऑर्डर किया था, जवानी निकल गई, सब कुछ खत्म हो गया हमारा, अभी अभी 4 साल के बाद मैं रिटायरमेंट जाऊंगा, मैं क्या कर जाऊंगा, क्या देंगे मेरी सरकार, कुछ नहीं देने वाली है, ऐसे लालीपाप दे रहे हैं। अभी मैं पुलिस वाले सुन रहा हूँ 18 हजार हो गया इनका, 28 हजार हो गया, इधर क्या लेने आए, सबकी इनकम बढ़ रही है लेकिन पीएचसी वालों को कोई पूछ कुछ नहीं, कुछ नहीं दिया इन लोगों ने, सर झूठ ही झूठ। हाँ जी जी साफ तौर पर आप सुन चुके हैं, गुस्से की बात करें, आक्रोश की बात करें तो कितना आक्रोश है इन्हें आप साफ तौर पर सुन चुके हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ देवेंद्र रैना जी, अगर आपने चीफ मिनिस्टर बनना है, अगर दिल्ली सरकार कोई काम नहीं कर रही है, अगर अमित शाह जी कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये कभी कह रहे हैं अमित शाह जी आएंगे, कभी कह रहे हैं अगर रविंदर राणा जी आपके से बोले कि रविंदर राणा जी अगर आपने चीफ मिनिस्टर बनना है तो रविंदर राणा जी अगर आपने चीफ मिनिस्टर बनना है तो फिर इन लोगों को टेलीविजन को सबसे पहले परमानेंट ऑर्डर किया जाए। बाकी 3-4 मसले हैं, छोटे छोटे इशू हैं, वो भी साथ में कोई बड़ा इशू और ये तमाशा नहीं है। मैं कहता हूँ ये जम्मू कश्मीर का कोई तमाशा नहीं है, कोई इशू नहीं है, यही होता है। देवेंद्र रैना जी आप काम कीजिए, वोट आपका, आपको रैली करने की जरूरत नहीं है, यही लोग आपके लिए जान देने के लिए तैयार होंगे। मैं इसी से फिर देवेंद्र रैना जी को पुरजोर रिक्वेस्ट करता हूँ, रविंदर रैना जी, और मैं एल जी सरकार से भी ये कहना चाहता हूँ, हमारा ग्रुप कोई दूसरा कोई ग्रुप नहीं है, डेली विजय सारा एक ही है और एक ही रहेगा, और आपसे मिलकर रहेगा, जैसे आप करोगे वैसे ही ऐसा करेगा, और डेली विजय को पॉलिसी दोगे तो आपका भला है, भला से भला है। साफ तौर पर आप सुन चुके हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर बनना है तो हमारा भला कीजिए, साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि यहाँ पर तस्वीरें आप देख सकते हैं, साफ तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं, आज ये थाली लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं थाली लेकर यहाँ पे पहुँचे, अपनी मांगे लेकर, ये कहना चाहते हैं कि ये कहना चाहते हैं कि हम थाली लेकर यहाँ पर वेतन लेने आए हैं। डॉक्टर शर्मा के साथ, कैमरा पर्सन गोपाल।